हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में होपेस 5 mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। होपेस 5 mg टैबलेट का मेनली यूज हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक कि यह टैबलेट हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना को भी कम करती है। माइक्रोलैब लिमिटेड कंपनी की ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 231 रुपए में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज्यादा हो सकती है। यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। होपेस 5 mg टैबलेट में रेमिप्रिल IP 5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। तो चलिए गाइस, जानते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में, डॉक्टर से किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। उस टैबलेट का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर होने की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इसे दिल का दौरा आने की समस्या दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग हार्ट फेल होने की समस्या दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। दोस्तों, इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेज के बारे में। आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोज आपके ब्लड प्रेशर पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप अपना ब्लड प्रेशर अपने डॉक्टर से चेक करवा कर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको चक्कर आना, सुस्ती, सिर दर्द, थकान, मितली, उल्टी या फिर आपका ब्लड प्रेशर कम होना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से ही कोई अन्य टैबलेट, मेडिसिन, सिरप ले रहे हो तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं यह टैबलेट यूज न करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद एल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।